Billahi minashaitwani wazim, bismillahi ramayoh. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Aaj hum Uttar Pradesh ki baat karne ja rahe hain, jahan par उल्माओं का सपोर्ट मजलिस तहाजुल मुस्लिमीन पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सलमान नकवी साहब मौलाना ने जिस तरह से मजलिस तहाजुल मुस्लिमीन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मजलिस तहाजुल मुस्लिमीन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। लगातार ये हमको खबर मिल रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जिताने की अपील की जाएगी और उत्तर प्रदेश में एक नया इनकलाब आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और हर वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी बेबाक राय रखी और जिस तरह से पार्लियामेंट सेक्शन में उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने हुकूमत को ललकारा है, अब इसी को देखकर इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि हम इस मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में कामयाब करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को यहां पर हम सपोर्ट करेंगे। अब इसी को देखकर यहां की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ चुकी है और यहाँ का मुसलमान अब जाग चुका है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के वोटों को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया और मुसलमानों का वोट लेकर जिस तरह से मुसलमानों को उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस तरह से मुसलमानों का वोट पाकर उनको जितना था उतने में ही रखा, अब बराबरी की बात करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतर चुके हैं और वो लगातार इसी अज़्म के साथ मैदान में उतरे हैं कि हम आने वाले 2022 के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लहराएंगे और जिस तरह से हम बिहार में कामयाब हुए हैं उसी तरह से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपनी कामयाबी के बुलंदियों के ऊपर जाकर वहां पर अपने परचम को लहराएगी, क्योंकि जिस तरह से यहां पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है वो काबिले तारीफ़ है। तो आप सब ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।